भारत समेत दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए उम्मीद की किरण बनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को रिसर्चर्स ने रिव्यू के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित पाया है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के आखिरी चरण के ट्रायल के परिणामों का स्वतंत्र रिव्यू प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लानसेंट में छपा है। इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ट्रायल के दौरान यह कोरोना वायरस वैक्सीन महामारी को रोकने में औसतन 70% प्रभावी साबित हुई है। इस ताजा रिसर्च को भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर माना जा रहा है। लानसेट में पब्लिश इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ट्रायल के दौरान कोरोना वैक्सीन 2 फुल डोज देने पर 62% प्रभावी क्षमता और पहले आधा डोज और फिर पूरा डोज देने पर करीब 90% प्रभावी क्षमता देखने को मिली। लानसेट पत्रिका ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। ट्रायल के दौरान 23,745 लोगों में से केवल 3 लोगों के अंदर ही गंभीर दुष्प्रभाव देखा गया, जो संभवतः वैक्सीन से जुड़ा हुआ था। ये तीनों लोग या तो अब तक ठीक हो चुके हैं या ठीक होने की कगार पर हैं। ये लोग आगे भी ट्रायल का हिस्सा बने रहेंगे। इससे पहले ऑक्सफोर्ड के टीके के प्रभावी होने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी के सीईओ पास्कल सोरीओट ने ऐलान किया था कि वह दुनिया भर में एस्ट्रा ट्रायल करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन की प्रभावी क्षमता को परखने के लिए उसका एक लोअर डोज दिया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की लोअर डोज ने फुल डोज के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन विशेषज्ञ और कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा कि यह ब्रिटेन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।